देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो तमाम बाजार हैं दिल्ली के, खासकर पुरानी दिल्ली के जो बाजार हैं, वहाँ पर ये जो तस्वीर है वाकई में बेहद डरावनी है। आप भीड़ देख सकते हैं, और ये पुरानी दिल्ली की केवल एक मार्केट का हाल नहीं है, तमाम जितनी पुरानी दिल्ली की मार्केट है वहाँ पर अमूमन यही स्थिति बनी हुई है। शब्बे बारात और होली का पर्व है, उसको देखते हुए भी लोग खरीदारी के लिए निकले हुए हैं, लेकिन ज़ाहिर तौर पर एक तरफ DDMA जो दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसकी तरफ से भी एक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, साथ ही पुलिस की तरफ से भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि जिस तरीके से कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए लोग सावधानी बरतें, लेकिन यहाँ पर देखकर कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी ने कोई सावधानी बरती हो, ना ही लोगों के चेहरे पर मास्क है, किसी कहीं उन्हें लगाया भी है तो वो मुँह से नीचे किया हुआ है। तो यही हालात जो है, यही लापरवाही पिछली बार भी काफ़ी भारी पड़ी थी, और जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए जो ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं, और साथ ही लोगों से अपील भी की जा रही है लगातार, तो तमाम जो नियम बने हुए हैं, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे मास्क का हो, वो तमाम नियम कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करें और उसी को ध्यान में रखते हुए तमाम नियम लागू किए गए। लेकिन हालात जो है वो बाज़ार की साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं, और चाहे पुरानी दिल्ली के जो अन्य बाज़ार हैं, चाहे सदर बाज़ार है, चांदनी चौक है, या फिर जो खारी बावली, इस तरह के बाज़ार है, वहाँ पर स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब है। वहाँ पर भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो ख़रीदारी कर रहे हैं, क्योंकि त्यौहारों का सीज़न है, अभी शब्बे बारात और होली है, और उसके बाद फिर नवरात्रे शुरू हो जाएंगे, तो जाहिर तौर पर त्यौहारों का सीज़न है तो लोग भी ख़रीदारी करने निकले हैं। लेकिन जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ते हैं उसको देखते हुए लोगों को खुद भी सतर्कता बरतनी होगी। कैमरा साहिल के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली।